नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंडर इट इज्सो मरुस्थली इट इजर्ट विद द हाइस्ट पॉपुलेशन डेजिटी इन द वर्ल्ड जो हमारा इंडियन थर्ड डेजर्ट है वो सबसे ज्यादा हॉट डेजर्ट है जो कि हमारे वेस्टर्न मार्जिन यानी कि हमारे वेस्टर्न साइड में पाया जाता है कौन से राज्य में राजस्थान में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है सेंड यूनस है बहुत ज्यादा सेंडी प्लेन्स है यानी कि बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे रहती है और यहाँ पे सेंडी प्लेन्स है यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और इसका क्लाइमेट क्या है एरिड क्लाइमेट है यानी बहुत ही सूखा है और यहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत ही कम होती है इस कारण से इसका नाम मरुस्थली रखा गया है और यहाँ लेकिन जो मरुस्थली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो डेंसिटी यानी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में सब ज्यादा यहाँ पे रहती है किसी डेजेस्ट क्या क्या हम इससे हिसाब लगाए तो ठीक है इट इज द बिलव दिसकेटेड अंडर दी ऑफ दोइ एरा दिस एस्टिमेट इज कॉबरेटेड बाई द एविडेंस फ्रॉम दैराइन सेडिमेंट फ्रॉम दी ब्रह्मासर नियर जैसलमेर एंड फ्रॉम द अकालुड फॉसिल पार्क ये बिलीव किया जाता है कि जो ये एरिया है थार डेजर्ट वो पहले मेसोइक एरिया एरा में ये समुद्र के नीचे था इसके एविडेंस कौन से मिले हैं जो मेराइन सेडिमेंट मिले है कहाँ ब्रह्मासर नियर

पेनल प्लेटू के अकॉर्डिंग ही है लेकिन यहाँ पर विंड और ड्राई कंडीशन ऑफ फिजिकल एरोजन के कारण इसका जो पेन प्लेट्यू है उसके कुछ कंडीशन अलग हो गई है मशरूम रॉक सैंड ड्यून्स ब्रम बच्स ड्यूगन और दैन डेजर्ट लैंडस्केप यहाँ की जो लैंडस्केप है कौन कौन सी है मशरूम रॉक सैंड ड्यूंस बैचन एंड ड्यूगन बैचन्स जो है क्रेसेंट एंड द ड्यून एक्सटेंड ओवर अ मच लार्जर एरिया बट द लॉन्गिट्यूड ड्यूंट प्रोमेंटिक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जो बायचानस है वो ये पाए जाते हैं इंडो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे पाए जाते हैं इफ यू विजिट द जैसलमेर यू गो टू सी अगर हम जैसलमेर को अगर कभी विजिट करेंगे तो हम आसानी से बाई को देख सकते हैं दर इज द डिडेड ऑफ पाकिस्तान एंड द साउथ पार्ट विज टूवर्ड दन कच को दो भागों में बांटा गया है पहला नॉर्दर्न पार्ट जो कि सिंध जो पाकिस्तान के एरिया है सिंध उस तरफ में।, में है सेकेंड पार्टे रन ऑफ कच की तरफ में है मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन डू नॉट हैव द इनफ वाटर ड्यू टू द लो रेनफॉल इवेपोरेशन बाय द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड द लैक ऑफ द एनी ग्लेशियर ऑरिजन यहाँ के जो रिवर्स होती है वहां पे ज़्यादा पानी नहीं होता क्यों क्योंकि की यहाँ पे कम बारिश होती है सारा पानी एवेपोरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और यहाँ पर कोई भी ग्लेशियल ऑरिजन नहीं है दैट्स वाई दिस रिवर रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन इस वजह से यहाँ की जो नदियाँ हैं सिर्फ बारिश के टाइम पर ही इन्हें पानी मिल पाता है मोस्ट ऑफ द रिवर हैव ऑफ द इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम आर मोस्ट ऑफ द रिवर हेयर फ्लो इन टू द लेक ऑर द्लायर आफ्टर रीचिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैन नॉट रीच द रिच द सी यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो क्या होती है इनफ्लो रन ऑफ सिस्टम का एग्जाम्पल है इसमें क्या होता है जो रिवर से कुछ दूर तक जाती है और फिर वो लेक या पलाय में मिल जाती है क्योंकि ये आगे नहीं जा पाती समुद्र से तक क्यों नहीं जा पाती क्योंकि यहाँ पे पूरा एरिया क्या है बहुत ज्यादा एरिड है यहाँ पे और इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है वो आगे पहुंच ही नहीं पाती बीच में इसका पानी खत्म हो जाता है दे आर दलाइन लेक लोकेटेड इन दी डेजर्ट रीजन फ्रॉम विच सार्ट इज ऑब ऑपटेन

एक्सट्रीम इवेपोरेशन होता है और कम बायस के कारण यहाँ पे एरिया क्या है यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आर द मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन डू नॉट द इनफ वाटर ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड इवेपोरेट ड्यूरिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर दैट्स वाई रेनी सीजन सेकेंड है हाउ डू यू वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लाय से आप क्या समझते हैं तो प्लाय से क्या समझते हैं प्लायर लेको इन दट रीजन फ्रॉम ये कहाँ पाई जाती, पा जाती है और ये सलाइन लेक है जिससे सोल्ट को ऑप्टेन किया जाता है थर्ड एट डिस्क्राइब एनी टू क्लाइमेटिक्स ऑफ दर्ल्ड हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डेजर्ट इसके टू क्लाइमेटिक्स तो बताने हैं तो यहाँ पर क्या है वेरी लो रनफॉल एंड दरिड क्लाइमेट एंड दी लेस नेचुरल वेजिटेशन फोर्थ क्वेश्चन है नेम द फोर लैंडमार्क ऑफ द थर्ड डेजर्ट लोकेशन लोकेटेड इसके फोर मेजर बताने हैं तो हम इसमें कौन कौन से है उसका है मशरूम रॉक सेंट डून बायचानस जुगेन आदि मेन डेजर्ट लैंडस्केप यहाँ डेजर्ट के सबसे ज्यादा मेन लैंडमार्क और लैंडस्केप है फिफ्थ क्वेश्चन इन विच स्टेट इंडिया इन इज थर्ड डेजर्ट थर्ड डेजर्ट कौन से स्टेट में इंडिया के है तो वो उसका आंसर क्या है राजस्थान राजस्थान में क्या है थर्ड डेजर्ट है फिर किन पार्टों में बात गया है राइट दियर नेम उनके नाम लिखिए तो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स कौन कौन से नॉर्थन पार्ट यानी साउथर्न पार्ट नॉर्थन पार्ट है जो की पाकिस्तान में और साउथर्न पार्ट विच इज द टूवर्ड द रन ऑफ कच्च साउथर्न पार्ट जो है रन ऑफ कच्छ की तरफ में फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वीडियो कंप्लीट होता है आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा उसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू